हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे शरीर के आंसू नमकीन ही क्यों होते हैं, मीठे या खट्टे या कड़वे क्यों नहीं होते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी बॉडी में सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि हमारे शरीर का अधिकतर द्रव्य नमकीन होता है, चाहे वो पसीना हो, आंसू हो या खून हो या कुछ और हो। तो पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। हम सबके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बराबर बनाए रखने के लिए और हमारे पीएच इत्यादि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी होती है तब हमको या तो डिहाइड्रेशन हो जाता है या अधिक हाइड्रेशन हो जाता है। तो हमारे शरीर में ये सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा क्लोरीन, पांचवा मैग्नीशियम और छठा फॉस्फेट। यह इलेक्ट्रोलाइट हमारे खून में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अब जानते हैं कि आंसू कहाँ बनता है। तो आंसू हमारी आँख के लैक्रिमल ग्लैंड या लैक्रिमल सैक में बनते हैं। चाहे आंखों में पानी आए, चाहे हम रोएं, सब आंसू यहीं बनते हैं और वक्त आने पर यहीं से निकलते भी हैं। आंसू का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे शरीर के वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े, और सबसे मेन इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जो है पोटेशियम और सोडियम, जिसकी वजह से हमारे आंसू का टेस्ट नमकीन होता है। जी हाँ, पोटेशियम और सोडियम यही हमारे आंसू को नमकीन बनाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपने जान लिया कि हमारे आंसू का टेस्ट नमकीन क्यों होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन को प्रेस करिए। अब चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।